मंच पर विराजमान मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी श्रीमान मनोज सिन्हा जी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सीईओ, सेक्रेटरी पोस्ट आईपीपीबी के तमाम साथी, यहाँ उपस्थित अन्य सभी महानुभाव देवी और सज्जनों, इस समय टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश भर के 3000 से अधिक सेंटर्स पर पोस्टल विभाग के हजारों कर्मचारी और अन्य भी वहाँ के नागरिक, और जैसा हमारे मनोज जी ने बताया करीब 20 लाख लोग इस समय इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। वहाँ कई राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, केंद्र के मंत्रिपरिषद के हमारे साथी, राज्य के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, ये सब भी वहाँ मौजूद है। मैं उन सब का भी इस समारोह में स्वागत करता हूँ और इस महत्वपूर्ण अवसर पर उन सब का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। हमारे मंत्री श्रीमान मनोज सिन्हा जी IITian है और IIT में पढ़े लिखे होने के कारण वो स्वभाव से हर चीज में टेक्नोलॉजी जोड़ देते हैं और इसलिए ये समारोह भी टेक्नोलॉजी से भरपूर है, साथ साथ ये इनिशिएटिव भी टेक्नोलॉजी वाला है। और मनोज जी ने व्यक्तिगत रुचि लेकर के इस काम को आगे बढ़ाया। उनका अपना टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड होने के कारण बहुत ही उत्तम प्रकार के उनके इनपुट्स मिले और उसका नतीजा है कि आज देश को एक बहुत बड़ा नजराना मिल रहा है। और आज 1 सितंबर देश के इतिहास में एक नई और अभूतपूर्व व्यवस्था की शुरुआत होने के नाते याद किया जाएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से देश के हर गरीब, सामान्य मानवी तक, देश के कोने कोने तक, दूर दराज के पहाड़ों पर बसे लोगों तक, घने जंगलों में रहने वाले हमारे आदिवासियों तक, दूर किसी द्वीप में रहने वाले कुछ समूहों तक, यानी एक एक भारतीय के दरवाजे पर बैंक और बैंकिंग सुविधा पहुंचाने का जो हमारा संकल्प है, एक प्रकार से आज वो मार्ग इस प्रारंभ से खुल गया है। इस नई व्यवस्था के लिए मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक देश के अर्थतंत्र में, सामाजिक व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है। हमारी सरकार ने पहले जनधन के माध्यम से करोड़ों गरीब परिवारों को पहली बार बैंक तक पहुंचाया और आज इस इनिशिएटिव से हम बैंक को गांव और गरीब के दरवाजे पर पहुंचाने का काम आरंभ कर रहे हैं। आपका बैंक आपके द्वार, ये सिर्फ एक घोषवाक्य नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, हमारा सपना है। इस सपने को साकार करने के लिए लगातार एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। देश भर के 650 जिलों में आज
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शाखाएं प्रारंभ हो रही हैं और हमारी चिट्ठियां लेने वाला डाकिया अब चलता फिरता बैंक भी बन गया है। अभी जब मैं आ रहा था तो मैंने यहां एक प्रदर्शनी देखी, क्या व्यवस्था हो रही है, कैसे काम होना है, इस बारे में विस्तार से मुझे बताया गया और हो सकता है वो आपने भी स्क्रीन पे देखा होगा। और जब मैं इसे देख रहा था, वहां जो विशेषज्ञ थे जो मुझे इस सारी योजना का खाका समझा रहे थे, और तब मैं एक विश्वास, मेरे भीतर एक आत्मसंतोष का भाव जग रहा था कि ऐसे साथियों के साथ रह करके उनकी कर्तव्य निष्ठा, उनका ये प्रयास जरूर नया रंग लाएगा। और मुझे याद है कि एक जमाना था और डाकिये के संबंध में मैं समझता हूं हमारे यहां बहुत सारी बातें कही जाती है, सरकारों के प्रति विश्वास कभी डगमगाया होगा लेकिन डाकिये के प्रति कभी विश्वास नहीं था। बहुत कम लोगों को मालूम होगा, जो लोग ग्रामीण जीवन से परिचित होंगे उनको पता होगा कि दशकों पहले डाकिया जब एक गांव से दूसरे गांव जाता था तो उसके हाथ में एक भाला रहता था, भाले पर एक गुंगरू बंधा रहता था, बेल बंधा रहता था, और वो चलता था तो गुंगरू की आवाज आती थी। एक गांव से दूसरे गांव जब डाकिया जाता था और गुंगरू की आवाज आती थी तो उस इलाका कितना ही घना हो, कितना ही दुर्गम हो, कितना ही संकटों से भरा हो, डकैत हो, आते हो, जाते हो, चोर लुटेरे रहते हो, लेकिन जब गुंगरू की आवाज आती थी, ये डाकिया है, कोई चोर लुटेरा उनको परेशान नहीं करता था। उन चोर लुटेरों को भी पता था कि डाकिया किसी गरीब मां के लिए मनी ऑर्डर लेके जा रहा है। आपको मालूम होगा अभी तो एक घर में पता हर कोने में शायद घड़ी पड़ी होगी, लेकिन पहले गांव में शायद एक आध टावर हो तो घड़ी होती थी, वरना घड़ी कहाँ होती थी। और मैं उस जिंदगी जी करके आया हूं तो मुझे मालूम है कि जो बुजुर्ग लोग अपने घर के बाहर बैठे रहते थे और जरूर पूछते थे डाकिया आ गया क्या, शायद कोई बुजुर्ग ऐसा नहीं होगा जो दिन में दो चार बार ये पूछता ना हो डाकिया आ गया क्या। लोगों को लगता होगा कि क्या उनकी कोई डाक आने वाली, डाक तो आती नहीं, लेकिन वो डाक के लिए नहीं पूछता था, उसे मालूम था कि डाकिया आ गया मतलब घड़ी में इतना टाइम हुआ होगा, यानी समय की पाबंदी। डाकिया आया कि नहीं आया, इसके आधार पर हमारी समाज व्यवस्था में तय होती। और इसलिए एक प्रकार से डाकिया हर परिवार से एक इमोशनल कनेक्ट चिट्ठियों से जुड़ा होता था, और इसलिए डाकिये को भी समाज में एक विशेष स्वीकार्यता और सम्मान प्राप्त था। आज के इस युग में टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ बदल दिया है, लेकिन चिट्ठियों को लेकर के डाकिया जो भावना, जो विश्वसनीयता पहले थी आज भी वैसी ही है। डाकिया और पोस्ट ऑफिस एक प्रकार से हमारे जीवन का, हमारे समाज का, हमारी फिल्मों का, हमारे साहित्य का, हमारी लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। हम सभी ने अभी जो एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे थे, डाकिया डाक लाया,
ऐसे गीत दशकों तक लोगों को अपने जीवन का हिस्सा लगते रहे हैं। अब आज से डाकिया डाक लाया के साथ साथ डाकिया बैंक भी लाया है। दशकों पहले मैं एक बार कनाडा गया था, तो मुझे कनाडा में एक फिल्म देखने को मिली थी, मुझे आज भी याद है। उस फिल्म का नाम था एयर मेल, और बहुत सचमुच में रोंगटे खड़े करने वाली फिल्म है, डाकिये डाक के ऊपर है। और हमारे जीवन में अपनों की चिट्ठियों का जो महत्व है, वह इस फिल्म की कहानी का आधार था। और फिल्म में एक हवाई जहाज था जिसमें चिट्ठियां जा रही थी, लेकिन वो दुर्भाग्य से क्रैश हो गया। इस हादसे के बाद जो हवाई जहाज क्रैश हुआ था, उसमें जो चिट्ठियां थी उसको बटोर करके उन लोगों तक पहुंचाने की पूरी कथा उस मूवी में है। किस प्रकार से उन चिट्ठियों का जतन किया गया था, और ऐसे जैसे किसी व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए कोशिश हो रही है, वैसी कोशिश डाकिये उस चिट्ठियों को बचाने के लिए कर रहे थे। हो सकता है शायद आज भी YouTube पर ये मूवी हो तो जरूर आप देखिएगा। और उन पत्रों में कितनों का दुलार था, संदेश था, चिंता थी, शिकायतें थी। चिट्ठियों में आत्मीयता ही उसकी आत्मा होता है। आज भी मुझे सैकड़ों की संख्या में हर रोज चिट्ठियां मिलती हैं। पोस्ट विभाग का भी काम बढ़ गया है मैं जब से आया हूं। कोई चिट्ठी तब लिखता है ना जब उसको भरोसा हो। और मेरा जो मन की बात का कार्यक्रम होता है उसको लेकर के भी हर महीने हजारों चिट्ठियां आती है। ये पत्र लोगों के साथ मेरा सीधा संवाद स्थापित करते हैं। जब वो चिट्ठियां पढ़ता हूं तो लगता है कि लिखने वाला सामने ही है, अपनी बात सीधे मुझसे कह रहा है। साथियों, हमारी सरकार के अप्रोच समय के साथ चलते हुए भविष्य की आवश्यकताओं के हिसाब से व्यवस्थाओं में आवश्यक बदलाव की है। हम वो पुरातनपंथी नहीं है, हम समय के साथ बदलने वाले लोग हैं, हम टेक्नोलॉजी को स्वीकार करने वाले लोग हैं। देश की, समाज की, समय की मांग के अनुसार व्यवस्थाएं विकसित करने के पक्ष में है। जीएसटी हो, आधार हो, डिजिटल इंडिया हो, ऐसे अनेक प्रयासों की कड़ी में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी अब जुड़ गया है। हमारी सरकार पुरानी व्यवस्थाओं को अपने हाल पर छोड़ने वाली नहीं, बल्कि रिफॉर्म, परफॉर्म और उन्हें ट्रांसफॉर्म करने का काम कर रही है। बदलती टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और माध्यम भी बदले हैं, भले बदले हो, लेकिन मकसद तो अब भी वही है। अंतर्देशीय पत्र या इनलाइन लेटर की जगह अब भले ईमेल ने ले ली हो, लेकिन लक्ष्य दोनों का एक ही है। और इसलिए जिस टेक्नोलॉजी ने पोस्ट ऑफिस को चुनौती दी, क्योंकि लोगों को लग रहा था अब ये डाक विभाग रहेगा नहीं रहेगा, डाकिये रहेंगे नहीं रहेंगे, इनकी नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, चर्चा चल रही थी। टेक्नोलॉजी ने जो चुनौती दी, उसी टेक्नोलॉजी को आधार बनाकर हम इस चुनौती को अवसर में बदलने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय डाक विभाग देश की वो व्यवस्था है जिसके पास 1.5 लाख से अधिक डाकघर है। इनमें से भी 1.25 लाख से अधिक सिर्फ गांव में ही है।
तीन लाख से अधिक पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवक देश के जन जन से जुड़े हुए हैं। इतने व्यापक नेटवर्क को टेक्नोलॉजी से जोड़कर 21वीं सदी में सेवा का सबसे शक्तिशाली सिस्टम बनाने का बीड़ा हमारी सरकार ने उठाया। अब डाकिये के हाथ में स्मार्टफोन है और उसके थैले में, उसके बैग में एक डिजिटल डिवाइस भी है। साथियों, एकता, समानता, समावेश, सेवा और विश्वास का प्रतीक ये पोस्ट पेमेंट बैंक अब देश की बैंकिंग व्यवस्था को ही नहीं बल्कि डिजिटल लेन देन की व्यवस्था को भी विस्तार देने की ताकत रखता है। आईपीपीबी में बचत खाते के साथ साथ छोटे से छोटा व्यापारी अपना काम चलाने के लिए चालू खाता भी खोल सकता है। यूपी और बिहार का जो कामगार मुंबई या बेंगलुरु में काम कर रहा है वो आसानी से पैसा अपने परिवार को भेज पाएगा, दूसरे बैंक खातों में पैसा भी वो ट्रांसफर कर सकता है। सरकारी सहायता का पैसा मनरेगा की मजदूरी के लिए भी इस खाते का उपयोग वो आसानी से कर सकता है। बिजली और फोन के बिल जमा करने के लिए भी उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना ही नहीं, दूसरे बैंकों या वित्तीय संस्थानों के साथ साझेदारी कर पोस्ट पेमेंट बैंक ऋण भी दे पाएगा, निवेश और बीमा जैसी सेवाएं भी अपने ग्राहकों को पहुंचाएगा। सबसे अहम बात यह है कि सभी सेवाएं बैंक के काउंटर के अतिरिक्त घर आकर डाकिये देने वाले हैं। बैंक से संवाद, डिजिटल लेन देन में जो भी मुश्किलें अभी तक आती थी उनका समाधान भी डाकिये के पास रहेगा। आपने कितने पैसे जमा किए थे, आपको कितना ब्याज मिला, कितने पैसे आपके खाते में बचे हैं, ये सब अब घर बैठे बैठे डाकिया बता देगा। ये सिर्फ एक बैंक नहीं बल्कि गांव, गरीब, मध्यम वर्ग का विश्वस्त सहयोगी सिद्ध होने वाला है। अब आपको अपना खाता, अपने खाते का नंबर याद रखने की, किसी को पासवर्ड बताने की भी जरूरत नहीं है। ग्रामीण परिस्थितियों को देखते हुए इस बैंक की सारी प्रक्रिया को बहुत ही आसान बनाया गया है। इस नए बैंक में कुछ ही मिनटों में आपका खाता खुल जाएगा और हमारे मंत्री जी कहते थे ज्यादा से ज्यादा एक मिनट। इसके साथ ही खाता धारक को एक QR कार्ड दिया जाएगा, जो मुझे अभी दिया गया क्योंकि मेरा भी खाता खुल गया है। जो खाता नहीं है वो भी खाता तो रखता है। आपको आपको हैरानी होगी, हमारे जीवन में बैंक अकाउंट का कभी नाता नहीं आया, लेकिन जब स्कूल में पढ़ते थे तो देना बैंक की एक स्कीम थी, वो एक गुल्लक देते थे बच्चों को और एक अकाउंट खोलते थे, तो हमें भी दिया, लेकिन हमारा तो वो खाली रहा हमेशा। बाद में हम गांव छोड़ के चले गए, लेकिन बैंक अकाउंट खाता बना रहा और बैंक वालों को हर साल उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता था। अब बैंक वाले मुझे ढूंढ रहे थे खाता बंद करने के लिए, मेरा कोई अता पता नहीं था,
करीब 32 साल के बाद उनको पता चला कि मैं कहीं आया हूं, तो बैंक वाले वहां बेचारे आए, बोले भाई सिग्नेचर कर दो, अभी तुम्हारा खाता बंद कर रहा है। खैर बाद में जब गुजरात में एमएलए बना तो तनख्वाह आने लगा, तो बैंक अकाउंट खोलना पड़ा, लेकिन उसके पहले कभी नाता ही नहीं आया था, और आज पोस्ट वालों ने एक और खाता खोल दिया। देखिए डाकिया सिर्फ डाक पहुंचाता था ऐसा नहीं, जो परिवार पढ़े लिखे नहीं होते थे तो डाकिया बैठ करके डाक खोल करके पूरी पढ़ाई सुना करके जाता था। फिर वो बूढ़ी माँ कहती थी कि बेटा बेटे को जवाब लिखना है तो कल तुम एक पोस्ट कार्ड ले आना और मैं जवाब बताऊंगी। तो दूसरे दिन वो डाकिया पोस्ट कार्ड भी लेके आता था और वो माँ लिखवाती थी, वो लिख देता था और पहुंच जाता था। यानी कैसी आत्मीय व्यवस्था, वही टेक्नोलॉजी का काम मेरा डाकिया फिर से एक बार करेगा। यानी एक क्यूआर कार्ड आपकी उंगली का निशान और डाकिया की जुबान बैंकिंग को आसान और हर आशंका का समाधान करने वाली है। साथियों, गांवों में सबसे मजबूत नेटवर्क होने की वजह से आईपीपीबी किसानों के लिए भी एक बड़ी सुविधा सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं को इससे विशेष बल मिलेगा। क्लेम को समय पर सेटल करना हो या किसानों को इस स्कीम से जोड़ना हो, निश्चित रूप से इस बैंक से लाभ होने वाला है। पोस्ट पेमेंट बैंक के बाद अब योजनाओं की क्लेम राशि भी घर बैठे ही मिला करेगी। इसके अलावा ये बैंक सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटियों के नाम पर पैसा बचाने की मुहिम को भी गति देगा। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार देश के बैंकों को गरीब के दरवाजे पर लेकर आ गई है, वरना 4-5 साल पहले तक तो ऐसी स्थिति थी, और ऐसी स्थिति बना दी गई थी कि बैंकों का अधिकांश पैसा सिर्फ उन्हीं इन्हें गिने लोगों के लिए रिजर्व रख दिया गया था जो किसी एक परिवार के करीबी हुआ करते थे। आप सोचिए, आजादी के बाद से लेकर 2008 तक, यानी 1947 से 2008 तक, और देश भर के 20 लाख लोग सुन रहे हैं, सुनकर के चौंक जाएंगे, 1947 से 2008 तक हमारे देश की सभी बैंकों ने कुल मिलाकर के 18 लाख करोड़ रुपए की राशि ही लोन के तौर पर दी थी। 18 लाख करोड़, इतने सारे कालखंड में। लेकिन 2008 के बाद सिर्फ 6 साल में, यानी 60 साल में क्या हुआ और 6 साल में क्या हुआ? 60 साल में 18 लाख करोड़ और 6 साल में ये राशि बढ़कर 52 लाख करोड़ रुपये हो गई। ले जाओ, बाद में मोदी आएगा रोएगा, ले जाओ। यानी जितना लोन देश के बैंकों ने आजादी के बाद दिया था उसका लगभग 2 गुना लोन पिछली सरकार के 6 साल में
तेरा भी भला मेरा भी भला। और ये लोन मिलता कैसे था? हमारे देश में ये टेक्नोलॉजी तो अब आई, लेकिन उस समय एक स्पेशल परंपरा चल रही थी फोन बैंकिंग की, और इस फोन बैंकिंग का प्रसार उतना हुआ था, अने नामदार अगर फोन कर दें तो बैंकिंग और फोन पर कर्ज देने वाले बड़ा पार लोन मिल ही जाता था। जिस भी बड़े धनी धन्ना सेठ को लोन चाहिए होता था वो नामदारों से बैंक में फोन करवा देता था। बैंक वाले फिर उस व्यक्ति या उस कंपनी को जट से अरबों खरबों रुपयों का कर्ज दे देते थे। सारे नियम सारे कायदा कानून से ऊपर था उन नामदारों का टेलीफोन। कांग्रेस और उसके नामदारों की फोन बैंकिंग ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया। अब सवाल यह भी उठता है कि बैंकों ने इस तरह की फोन बैंकिंग से मना क्यों नहीं किया? साथियों, आपको यह पता है कि उस समय बैंकों में नामदारों के आशीर्वाद से ही अधिकांश लोगों की नियुक्ति होती थी। नामदारों के प्रभाव की वजह से ही बैंक के बड़े बड़े दिग्गज भी लोन देने से मना नहीं कर पाते थे। 6 साल में लगभग 2 गुना लोन देने के पीछे यही सबसे बड़ी वजह थी। बैंकों ने ये जानते हुए भी कि उनके द्वारा दिए गए लोन की वापसी मुश्किल होगी, बस कुछ विशेष लोगों को लोन देना ही पड़ेगा, पता है नहीं आएगा दो। इतना ही नहीं, जब ऐसे लोग कर्ज चुकाने में डिफॉल्ट करने लगे तो बैंकों पर फिर से दबाव आया, उन्हें नए लोन दीजिए। और ये गोरखधंधा ये चक्र लोन की रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पर हुआ, यानी एक बार लोन ले लिया फिर जहां पहुंचाना था पहुंचा दिया, अब उसको फिर से वो मांग रहा है तो कह दूसरा दो तो मैं देता हूं, वो देता है ये देता है ये देता है ये देता है, वही वही चक्र चलता था। जो लोग इस गोरखधंधे में लगे थे उन्हें भी अच्छी तरह पता था कि एक ना एक दिन उनकी पोल जरूर खुलेगी, और इसलिए उसी समय से हेरा फेरी की एक और साजिश साथ साथ रची गई। बैंकों का दिया कितना कर्ज वापस नहीं आ पा रहा इसके सही आंकड़े देश से छिपाए गए, देश को अंधेरे में रखा गया। यानी जो लाखों करोड़ रुपए फंसे थे उसे कागजों पर सही तरीके से नहीं बताया गया, छुपाया गया, देश से झूठ बोला गया कि सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए हैं जो आना बाकी है और शक है आएंगे कि नहीं आएंगे। जिस समय देश में बड़े बड़े घोटाले उजागर हो रहे थे उस समय पिछली सरकार ने सारी मेहनत अपने ये सबसे बड़े घोटाले को छिपाने में लगाई हुई थी। बैंकों में कुछ खास लोग भी इसमें नामदारों की जरा मदद कर रहे थे। 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो सारी सच्चाई सामने आने लगी। तब बैंकों से कड़ाई से कहा गया कि सही सही आकलन करके उनकी कितनी राशि इस तरह का लेन देन और उनका लोन देना बाकी है, कितने रुपए फंसे हुए हैं, सारी जानकारी लाओ। 6 साल में जो अथाह राशि दी गई उसकी सच्चाई ये है कि जिस राशि को पिछली सरकार
सिर्फ 2.5 लाख करोड़ बता रही थी, वो दरअसल 9 लाख करोड़ रुपया थी। चौंक जाएगा देश आज सुनकर के, देश के साथ कितना धोखा किया गया, देश के सामने कितना झूठ बोला गया। हर रोज ब्याज की रकम जुड़ने की वजह से ये दिनों दिन और बढ़ती जा रही है, आने वाले दिनों में ये और भी बढ़ेगा, क्योंकि ब्याज तो जुड़ना ही जुड़ना है, बैंक का अपना कागजी काम तो करेगा ही करेगा। साथियों, 2014 में सरकार बनने के कुछ समय बाद ही हमें एहसास हो गया था कि कांग्रेस का और ये नामदार देश की अर्थव्यवस्था को एक ऐसी लैंडमाइन बिठा करके गया है। अगर उसी समय देश और दुनिया के सामने इसकी सच्चाई रख दी जाती तो ऐसा विस्फोट होता कि अर्थव्यवस्था शायद संभालना मुश्किल हो जाता, इतनी बर्बादी करती। इसलिए बहुत एहतियत के साथ, बड़ी बारीकी से काम करते करते इस संकट से देश को बाहर निकालने के लिए हम दिन रात लगे रहे। भाइयों और बहनों, हमारी ही सरकार एनपीए की सच्चाई पिछली सरकार के इस घोटाले को देश के सामने लेकर के आई है। हमने केवल बीमारी का पता ही नहीं लगाया, बल्कि उसके कारण की भी तलाश की है और उस बीमारी को दुरुस्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। पिछले 4-4.5 साल में 50 करोड़ से बड़े सभी लोन्स की समीक्षा की गई, लोन की शर्तों का बड़ी कड़ाई से पालन हो यह सुनिश्चित किया जा रहा है। हमने कानून बदले, बैंकों के मर्जर का निर्णय लिया, बैंकिंग सेक्टर में प्रोफेशनल अप्रोच को बढ़ावा दिया, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुधारने के लिए निरंतर सुधार किए जा रहे हैं। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल, भगोड़ों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये भगोड़े अपनी संपत्ति की निराई में खुद भाग न ले सके, इसकी भी व्यवस्था की गई है। बड़े लोन लेने वालों के पासपोर्ट डिटेल भी अब सरकार के कब्जे में रखना तय कर लिया है, ताकि देश छोड़कर भागना उनके लिए आसान न हो। बैंकरप्सी कोड और एनसीएलटी द्वारा एनपीए की रिकवरी शुरू हुई है। 12 सबसे बड़े डिफॉल्टर्स जिनको 2014 के पहले लोन दिया था, जिसके एनपीए की राशि करीब करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए हैं, उनके खिलाफ तेज गति से कार्रवाई चल रही है और उसके नतीजे भी दिखने लगे हैं। इसी प्रकार उन 12 के अलावा और दूसरे 27, वो भी बड़े बड़े लोन खाते वाले हैं, जिनमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का एनपीए है। इनकी वापसी का भी इंतजाम बहुत पक्के तरीके से हो रहा है। जिनको लग रहा था कि नामदारों की सहभागिता और मेहरबानी से उनको मिले लाखों करोड़ रुपया हमेशा हमेशा के लिए उनके पास रहेंगे, हमेशा इनकमिंग ही रहेगा, अब उनके खाते से आउटगोइंग भी शुरू हुआ है। देश में एक नया बदलाव आया है, अब एक नया कल्चर आया है, कल्चर बदल रहा है। पहले बैंक इनके पीछे पड़ते थे, अब हमने कानून की जाल ऐसी बनाई है कि अब वो रिपेमेंट करने के लिए चक्कर काट रहे हैं, कुछ करो भाई, थोड़ा ले लो, अभी थोड़ा अगले महीने दे दूंगा, कुछ बचा लो मुझे। अब ये खुद बैंक के पीछे दौड़ने लगे हैं, पैसा वापस करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। दिनों दिन मजबूत होती बैंकिंग व्यवस्था के साथ ही अब ऐसे लोगों पर जांच एजेंसियों का शिकंजा और कसने जा रहा है। और मैं देश को फिर आश्वस्त करना चाहता हूं कि इन सारे बड़े लोनों में से एक भी लोन इस सरकार का दिया हुआ नहीं है,
हमने तो आने के बाद बैंकों की दिशा और दशा दोनों में निरंतर बदलाव किया है और आज का ये आयोजन भी उसी का एक महत्वपूर्ण कदम है। पहले नामदारों के आशीर्वाद से बड़े लोगों को ही कर्ज मिलता था, अब देश के गरीब को बैंक से कर्ज मिलना हमारे डाकिये के हाथ में आ गया है। पिछले 4 साल में मुद्रा योजना के माध्यम से 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज स्वरोजगार के लिए देश के गरीब और मध्यम वर्ग के नौजवानों को दिया गया है। 32 करोड़ से ज्यादा गरीबों के जनधन अकाउंट खोले गए हैं। 21 करोड़ से ज्यादा गरीबों को सिर्फ 1 रुपया, महीने का 1 रुपया और 90 पैसे प्रतिदिन के प्रीमियम पर बीमा और पेंशन का सुरक्षा कवच भी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों और बहनों, देश की अर्थव्यवस्था को जिस लैंड माइन पर नामदारों ने बिठाया था, उस लैंड माइन को हमारी सरकार ने निष्क्रिय कर दिया है। देश आज एक नए आत्मविश्वास से भरा हुआ है। एक तरफ इस एशियन गेम्स में भारत ने अपनी बेस्ट एवर परफॉर्मेंस दिखाई हमारे खिलाड़ियों ने, तो दूसरी तरफ कल देश को अर्थव्यवस्था के आंकड़ों से भी एक नया मेडल मिला है। जो आंकड़े आए हैं वो देश की मजबूत होती अर्थव्यवस्था और उसमें आते आत्मविश्वास के प्रमाण है। 8.2% की दर से हो रहा विकास भारत की अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई ताकत को दिखाता है, एक नए भारत की उज्जवल तस्वीर को सामने लाता है। ये आंकड़े न सिर्फ अच्छे हैं बल्कि सभी जो एक्सपर्ट लोग हैं अनुमान लगाते थे उससे भी ज्यादा अधिक है। जब देश सही दिशा में चलता है और नियत साफ होती है तो ऐसे ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। साथियों, ये मुमकिन हुआ है 125 करोड़ देशवासियों की मेहनत से, लगन और कमिटमेंट के कारण। हमारे युवाओं, हमारी महिलाएं, हमारे किसान, हमारे उद्यमी, हमारे मजदूर, ये हम सबका, उन सबके पुरुषार्थ का परिणाम है कि देश आज तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज भारत न केवल विश्व की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है बल्कि सबसे तेजी से गरीबी मिटाने वाला देश भी बना है। जीडीपी के आंकड़े गवाह है कि नया भारत अपने सामर्थ्य के बूते 125 करोड़ भारतीयों के संघर्ष और समर्पण के दम पर आगे बढ़ रहा है। मैं देश को फिर कहना चाहूंगा कि बैंकों का जितना भी पैसा नामदारों ने फंसाया था उसका 1-1 रुपया वापस लेकर के ही रहने वाले हैं। उससे देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को सशक्त करने का काम किया जाएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी इसमें बहुत अहम भूमिका निभाएगा। आईपीपीबी और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से बैंकिंग, बीमा, सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आधार सेवा, पासपोर्ट सेवा, ऑनलाइन शॉपिंग जैसी अनेक सुविधाएं गांव गांव, घर घर तक और प्रभावी तरीके से पहुंचने वाली है। यानी सबका साथ सबका विकास के रास्ते को हमारा डाकिया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और सशक्त करने के लिए अब एक नए रूप में देश के सामने प्रस्तुत हो रहा है। मुझे खुशी है कि इस विराट मिशन को गांव गांव, घर घर तक, किसान तक, छोटे व्यापारियों तक पहुंचाने के लिए देश के 3 लाख डाक सेवक कटिबद्ध होकर के तैयार है। डाक सेवक लोगों को डिजिटल लेन देन में ना सिर्फ सहयोग करेंगे बल्कि उन्हें ट्रेनिंग भी देंगे।
ताकि भविष्य में वो अपने फोन से खुद बैंकिंग और डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सके। इस तरह अब हमारे डाक बाबू ना सिर्फ बैंकर होंगे बल्कि देश के डिजिटल टीचर भी बनने वाले हैं। देश की सेवा करने वालों की इस भूमिका को देखते हुए बीते महीनों में सरकार ने भी कई अहम फैसले लिए हैं। सरकार ने जुलाई में ही ग्रामीण डाक सेवकों के वेतन और भत्तों से जुड़ी पुरानी मांग को पूरा किया है। इसका लाभ देश के 2.5 लाख से ज्यादा ग्रामीण डाक सेवकों को मिलना सुनिश्चित हुआ है। पहले उन्हें जो समय संबंधी भत्ता मिलता था उसमें दर्जन वर्ष लैब होती थी, अब इसे भी घटाकर सिर्फ 3 कर दिया गया है। इसके अलावा उन्हें जो भत्ता 2 से 4 हजार के बीच मिलता था उसे बढ़ाकर 10 हजार से 14 हजार के बीच कर दिया गया है। वो जिस मुश्किल परिस्थिति में काम करते हैं उसे देखते हुए एक नए भत्ते की भी शुरुआत की गई है। जो महिला ग्राम डाक सेवक है उन्हें पूरे वेतन के साथ 180 दिन यानी 6 महीने के मातृत्व अवकाश की भी व्यवस्था की गई है। सरकार के प्रयासों की वजह से ग्रामीण डाक सेवकों के वेतन में औसतन 50% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। मुझे बताया गया है कि डाक सेवकों के रिक्त पदों में भर्ती के लिए ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। ये फैसले इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के हमारे सबसे मजबूत प्रतिनिधि को और मजबूत करने में सहायक सिद्ध होंगे। साथियों, आज देश के 3000 से अधिक स्थानों पर ये सेवा शुरू हो रही है और जैसे हमारे मनोज सिन्हा जी बता रहे थे आने वाले कुछ ही महीनों में 1.5 लाख से अधिक पोस्ट ऑफिस इस सुविधा से जुड़ जाएंगे। न्यू इंडिया की इस नई व्यवस्था को देश के मजबूत टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर से भी मदद मिलेगी। देशवासियों को इस नई व्यवस्था के लिए, नए बैंक के लिए, नई सुविधा के लिए बहुत बहुत बधाई के साथ मैं फिर एक बार डाक के सेवा क्षेत्र में जुड़े हुए हमारे सभी साथियों का सम्मान करते हुए, उनका आदर करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। पोस्टल डिपार्टमेंट के हर कर्मचारी, इस बैंक से जुड़े हर व्यक्ति को मैं पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मनोज सिन्हा जी को बहुत बधाई देता हूं क्योंकि उनका IIT का बैकग्राउंड इस काम में मुझे बहुत मदद की है, टेक्नोलॉजी ने भरपूर मदद की है और इसके लिए मंत्री जी को भी नेतृत्व देने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद।